यार इतना सारा ढकी भाई, ओए होए। आज मैं तो कहता हूँ मेरा इंट्रो ढकी भाई की वॉइस में। Assalamualaikum, welcome back to another vlog। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। यार हम लोग आजादी क्लब आए हुए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा पूरा आजादी क्लब। आज यार बहुत ही प्यारी जगह यहाँ पे, मैं तो कई बार आ चुका हूँ लेकिन आपको भी आना चाहिए, लेकिन इसके लिए पहले लगे हैं पहले। फैजल हम आजादी क्लब के अंदर आ चुके हैं, इस टाइम यहाँ पे सिनेमा भी है, इस तरफ हम जाएंगे, इस तरफ स्विमिंग पूल है। भाई जान यहाँ तो राशि बहुत था, तो हम कहते थे लेट आते हैं, थोड़ा घूम फिर लेते हैं और फिर आते हैं। यार पहले हम चलते हैं बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन खेल के फिर आते हैं वापस, अभी बैडमिंटन खेलते हैं यार। तो चलिए जी, अब हमारा मैच होने लगा स्टार्ट, हम खेलने लगे हैं बैडमिंटन, टॉस करने लगे हैं और मैच इसका देखते हैं किसके साथ आते हैं। मेरे साथ ये जी हम टॉस गए हैं और पहला मैच है एसन और वर्सेस महात्मा, फिर इनमें से जो जीता वो खेलेगा मेरे साथ क्योंकि मैं हो गया हूँ फाइनल में। तो देखते हैं अब क्या बनता है इस मैच को, दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, फिर उसके बाद मेरा मैच है वो देखेंगे। चलो जी हम लोग गए और चुके हैं इस टाइम अंपायर, तो इनका मैच हो चुका है स्टार्ट, ये देखें तो ओए फाउल पॉइंट, इसका हो चुका है पॉइंट भाई। 7 हो चुके महत के, 4 हो चुके एसन के, ओए 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 8-4। A few moments later. मेरा और महत का मैच जो मुझे लग रहा है, गेम पॉइंट हो चुका है महत का और 8 है एसन के, और ये मेरे ख्याल से अब जीत चुके हैं गेम। बाद भाई बहुत मुबारक हो आपको, वेल प्ले। अरे भाई चलिए मेरा मैच स्टार्ट होने लगा है। Ten minutes later. भाई यार बैडमिंटन खेल के हो चुकी है हमारी फुल, बस यार बहुत ही मजा आया, लेकिन बहुत ही गर्मी थी यार। हम तो हार चुके हैं, महत हमारे से जीत चुका है फाइनल मैच में, महत जीता है। तो अब हम आए फ्राई इधर स्नोकर टेबल की तरफ, ये दिखाते हैं आपको इधर स्नोकर लॉबी है जहाँ पे एक टेबल के लिए। तो गर्मी बहुत है क्योंकि हमने सारी इधर लाइट्स वगैरह देखी हैं। चलो स्विमिंग करते हैं यार, गर्मी बहुत है, मैं वो कह रहा हूँ चलते हैं स्विमिंग पूल में, चलते हैं स्विमिंग करते हैं, वहाँ जाके स्विमिंग करते हैं और स्विमिंग करके फिर, अभी तो बहुत टाइम है, रात को 7 बजे जाके मैच है कहीं पे, अभी तो हमारा टाइम हो गया होगा तकरीबन, हमारा टाइम है वो 3:30, एक टाइम हुआ है वो है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, चल भाई पानी पिला दो, पानी पी लेते हैं हम, चेक कर लो ठंडे यार, पानी भी गर्म है यहाँ पे, पानी वगैरह में लाइट आया नहीं तो पानी बहुत गर्म, देखें हाल बुरा हो चुका है। ये बच्चों के लिए इधर झूले वगैरह इन्होंने लगाए हुए हैं यहाँ पे सारे, फिर ये बाकी आपको दिखाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। यार भाई होटल के अंदर पप्पू ऐसी चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा, पसीना वगैरह तो सूख गया, हम ऑर्डर के बारे में सोच रहे हैं अभी, हमारा दिल है फ्राइज़ और मार्गरिटा पी लेते हैं यहाँ पे, जो ठंडे स्विमिंग करेंगे ना तो वो सारा ना हमारा हजम भी हो जाना है। A few moments later. यार भाई ये इतना ऑर्डर तो बड़ा था नहीं, जितना टाइम उन्होंने लगा दिया, हमारे 3 तो रेगुलर फ्राइज थे यार और मार्गरिटा भी था हमारा साथ, इतना बड़ा ऑर्डर था, 30-35 मिनट उन्होंने लगा दिए। होटल बहुत ही प्यारा, चेक करें यार बहुत ही प्यारा होटल है यार। भाई यार ऑर्डर आ चुका है, हमारे फ्राइज आ चुके हैं, मार्गरिटा अभी तक भी नहीं आया, फिर ये क्या है, मार्गरिटा अभी तक नहीं आया। 10 minutes later. तो हमने फ्राइज वगैरह यारो खा ली हैं, अब हमने बाहर आए, इधर कहते हैं कि बोतल वोटल वगैरह शटर पी ले, कोक भाई खा नहीं पी रहा, उधर बैठ के पीते हैं, आजा कोक 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 hours later chappal exchange ho raha hai yahan pe bhai ka pao kharab ho gaya tha to yaar ab hum ja rahe hain kya naam hai idhar boating karne yahan pe boating ka bhi hai kalaj se scene bana hua hai yahan pe to wo dekhe wo wala hai swimming pool wahan us taraf swimming pool hai to hum ja rahe hain boating yaar idhar alag pe ek alag hi na idhar baba khaybar
इधर अलग ही एक विलेज सा भी बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम अब चलते हैं, पहले हम जाके विलेज वगैरह देखते हैं जो यहाँ पे विलेज बना हुआ है, क्योंकि रिसेंटली जब मैं आता रहा हूँ तो मैं स्विमिंग करता था लेकिन वापस चला जाता, लेकिन अब आएंगे यहाँ पे विलेज देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं, और उसके बाद चलते हैं बोटिंग करने। ठीक है, उसके बाद चेक करें, ये वो कारपेट रोड बना हुआ है। ये मेरे ख्याल से ये इस तरफ विलेज है ना, ये विलेज है ना, आज उधर चलो। अच्छा, आगे से रास्ता है, तो ये विलेज है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं जाके विलेज। ये कबूतर मैकली है असली है, ये देखे ना विलेज कॉर्नर, ये विलेज कॉर्नर, ये चेक करें विलेज कॉर्नर। यार हम आ चुके हैं यहाँ पे विलेज कॉर्नर, ये है आज़ादी क्लब का विलेज कॉर्नर। ये देखिए बहुत ही प्यारी जगह यार, चेक करें, ये देखिए एक ना देसी माहौल जैसे होता है ना वो बना हुआ है। ये चेक करें, छोटी सी सड़क, और ये देखिए ये क्या चीज़ है मान, ये मेरे ख्याल से आग वगैरह जो जला के फिर बैठते हैं, पानी वाला कुआं बनाया हुआ है। चलो पानी वाला कुआं हो गया यार, ये देखें ये जैसे देसी माहौल होता है बिल्कुल वही सीन बना हुआ है यहाँ पे। ये कबूतर वगैरह भी है इधर, ये देखें ये चारपाई जो मतलब पुराने ज़माने में जैसे होती थी, ऊपर लालटेन वो जो लगी होती हैं मिट्टी के तेल से जो चलती हैं, ये वो है। और ये चेक करें, ये जैसे पुराने ज़मानों में सारा कुछ होता था, ये सारा सीन वही है। ये देखें ये वो जो तंदूर वगैरह, ये वो चीज़ें हैं, ये पता नहीं वो मेरे ख्याल से जिसमें दही वगैरह बनती है, मेरे ख्याल शायद वो है। तो देखें ना बहुत ही प्यारा सा सीन उन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पर, हर चीज़ उन्होंने देखे ना बिल्कुल देहात की तरह बनाई हुई है। ये देखे होते ट्यूबवेल है, ठीक है। ये देखे यहाँ पे ये इस तरह करके, ये चेक करें, ये चेक करें, ये चल भी रहे हैं, और मतलब फुल जैसे ना वो देहात होते हैं वैसे ही बना हुआ है यहाँ पे। बहुत ही मज़ेदार सीन है यहाँ पे, वो तो नलका टाइप भी लगा हुआ है वहाँ पे। मैं कह दूँ अंत जगह यार, बहुत ही प्यारी जगह, बहुत ही प्यारी जगह यार, आला मज़ा आ गया। ये देखिए ना देहात की तरह बिल्कुल सारा कुछ, ऐसे लगता है बंदा बोटिंग वाली तरफ, उधर जाके आपको मिलते हैं, बोटिंग करते हैं यार। बोटिंग यार वैसे बहुत ही प्यारी जगह थी ये ना, जो विलेज चाहिए बना उधर बहुत ही प्यारी। अब हम जा रहे हैं बोटिंग करने, ब्रदर्स बोटिंग करेंगे हम लोग जाके। तभी हमें पड़ गया उसके पहले, क्या कहते हैं बोटिंग के पहले हमें पड़ गया बाबे खैबर। तो आपको दिखाते हैं बाबे खैबर, हमारे बाबे का खैबर। तो हम आपको दिखाते हैं छोटा सा बाबा खैबर, जो इन्होंने वैसे एक ना बनाया हुआ है, जो ये चेक करें, ये बाबा खैबर आ चुके हैं। आपको दिखाता हूँ बाबा खैबर, ये है बाबा खैबर, ये देखें पखैर रागले, पखैर रागले, ये इन्होंने बाबा खैबर बनाया हुआ है यार। A few moments later, ये इन्होंने छोटा सा इधर ना जू भी बनाया हुआ है मेरे ख्याल से, ये सारा ये डक्स की जगह, सुरखाब, दिस इज सुरखाब, सुरखाब चेक करें, ये सुरखाब है, ये सुरखाब है। तो आगे चलते हैं यार, मामा हम इनके साथ भाइयों से मिलते हैं, इनके भाइयों से मिलते हैं। आगे आ गया जो मंकी, हेलो हेलो, कीप अवे फ्रॉम द केज, नो ट्रांसमिशन बियॉन्ड द पॉइंट, ठीक है। हेलो हेलो, तो यार मंकी से डर लग रहा है, गुस्से से देख रहे, भागो। तो चलो जी बास्केटबॉल खेलते हैं, चल के आपको तो मंकी भी दिखा। जाओ उधर शितर मोर गए, बहुत लंबी लंबी गर्दनों वाले मेरी जैसी। इधर बास्केटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेल के फिर हमारा टाइम होने वाला है 4, अभी भी तकरीबन स्विमिंग में 5 होने वाले, घंटा रहता है स्विमिंग में हमारा। फिर भी तो हम बास्केटबॉल कोर्ट में पहुँच चुके हैं, तो हम बास्केटबॉल खेलते हैं, चलो। तो चलो ये भाई बास्केटबॉल, चल जी मैच लगाते हैं इनके साथ। ओए बात सुनो, तुम दो हो जाओ, मैं और आसन हो जाते हैं, हम लोग लगाते हैं इनके साथ मैच, डन हो गया। 10 minutes later, यार ये चेक करें, ये स्केटिंग की भी जगह है इनके पास, इधर स्केटिंग भी आप कर सकते हो, वहाँ टेनिस खेल सकते हो आप। ये है भाई जिप लाइन, लेकिन अभी तक बंद है मेरे ख्याल से, क्योंकि बंदा नहीं आया इधर। यार मेरे भाइयों हम जा रहे हैं अब बोटिंग करने, क्योंकि पहले तो हम आ गए थे, आप दूसरा विजिट करवाए, अब बोटिंग का टाइम हो गया, तो उधर चलते हैं बोटिंग वगैरह करते हैं यार, क्योंकि यार अभी टाइम बड़ा पड़ा है उसमें से ना, स्विमिंग में से, स्विमिंग में तकरीबन अभी घंटा डेढ़ पड़ा पूरा, क्योंकि हमने बाकी तो गेम वगैरह खेल रही है, टेबल टेनिस जाती थी लेकिन वो प्लेयर हो गया कैंसिल, हमने कहा चलो जाके बोटिंग रेस कर लेते हैं, तो चलते हैं अब जाके बोटिंग करते हैं।
तो फिर उसके बाद चलते हैं टेबल टेनिस खेलेंगे, फिर जाके स्विमिंग करेंगे, फिर बस। और यार बिग फैन डकी भाई आ गए, डकी भाई वेलकम, डकी भाई, डकी 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 भाई। आज मैं तो कहता हूँ मेरा इंट्रो डकी भाई की वॉइस में, चलो डकी भाई इंट्रो करा दो। डकी भाई एमलो जी वी आर बैक। यार एक बार फिर हम आ चुके हैं बोटिंग प्लेस पर, तो पूछते हैं अब टाइम तो हो गया 5, जैसे सफाई भी हो चुकी है, वाटर साफ हो चुका है, तो अब चलते हैं उधर आगे करते हैं बोटिंग। जैकेट्स पहन लेते हैं, भाई ने कहा जैकेट्स पहन लो फिर स्टार्ट करते हैं रेस। तो अब हमने लाइफ जैकेट्स भी पहन ली है, अब हम करते हैं बोटिंग स्टार्ट। रेस स्टार्ट हो चुकी है यार। यार ये चीटिंग हो रही है हमारे साथ, और बहुत जोर लग रहा है पाओ, टांग होगी तो बस ही होगी, दो बार एक्सीडेंट हो चुका है हमारा। शुक्रन करीमन, अब मेरे ख्याल से निकल चुके हम। ओए टक्कर लगने का खाता, टक्कर लगने का तो नीचे। हुई हुई हुई, ओए होए होए, मजा आ गया। गुड वन वो यार बहुत लीड कर चुके हैं हमारे से। एक काम करते हैं, हाथों से स्टार्ट हो जाते हैं, हाथों से स्टार्ट, हाथों से स्टार्ट, यस। चल, हमारी कश्ती एक बार फिर ठोक चुकी थी लेकिन फिर सीधी हो गई है, तो अब जाते हैं उधर है। हमारी कश्ती भी डूब चुकी थी, फिर चलते हैं भाई साहब उधर उसकी तरफ। और यार इसको तो पीछे कर, ये जो लेवर है इसको पीछे करने से ये बोट जाएगी लेफ्ट साइड पे, अगर इसको सीधा रखेंगे फ्रंट गियर मतलब के लगाएंगे तो जाएगी राइट साइड में। अब इसको न्यूट्रल कर देते हैं ऐसे। ओए ओए किसने दिया बोटिंग का आइडिया, मैंने। यार बहुत मुश्किल है ये काम, यार इसको तो सीधा रख। साहब सबसे ज़रूरी लॉन्च ये है कि बोटिंग वाला काम कभी ना कीजिएगा मेरे भाइयों, इस बोट में हमने पूरा हो जाना मेरे ख्याल से। ये कश्ती तो कहीं पार लग नहीं रही, हमारे गवाह ढीली हो चुकी है। मेरे कैप्टन खान, कैप्टन खान शहीद होने वाले हैं। ये कभी किधर हो जाती है, कभी किधर हो जाती है, और मेरा दिल कह रहा लाइफ जैकेट पहनी है, इसमें छलांग मारूँ और निकल तो जाऊँ। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब, हेलो। जनमाजे जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। नमाज जनाज़ा, कैप्टन खान शहीद हो चुके हैं, नमाज जनाज़ा का ऐलान बाद में किया जाएगा। कैप्टन आरिश की हालत बहुत ख़राब है, और हम अपने लैंडिंग एरिया पे पहुंचने वाले हैं। कैप्टन कैप्टन खान शहीद और कैप्टन आरिश भी शहीद होने रहा है, हम शहीद हो इन टांगों की। भाई साहब इस त्यारे के अंदर एक कैप्टन शहीद हो चुके हैं, कैप्टन फतेह खान, उनके लिए मैं ये नगमा पेश करना चाहूँगा। शहीद हो, लेकिन मैं और दूसरा कैप्टन हमारा कैप्टन आरिश टांग से मजबूर हो चुका है, उसकी टांग नहीं रही सा। ओ भाई बचाओ रे। 10 minutes later ड्रेसिंग रूम में आ चुके हैं हम, बच्चा पार्टी भी आ चुकी है हमारी। यहाँ हमें अब करने हैं कपड़े वगैरह चेंज, क्योंकि सिर्फ शॉर्ट्स पहन के नहा सकते हैं, और अलाउ नहीं है। तो शॉर्ट्स कहाँ है मेरी? A few moments later हम लोग स्विमिंग पूल पे आ चुके हैं। इस टाइम चल परे इस टाइम हम स्विमिंग पूल पे आ चुके हैं, तो वैसे हमने इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। लेकिन यार ये जो है ना, इधर है 11 feet, छोटे छोटे बच्चे ने हालत है, मुझे स्विमिंग भी आती, मैथ भी नहा रहा, देखो ट्यूब के साथ आ रहे स्विमर, तीनों स्विमर। चल चल, ये अभी आपको फ्लिप मार के दिखाएगा, फ्लिप मारता है। चल चल चल, मार यार ट्यूब ही लेते चल 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 चल, जल्दी कर जल्दी कर। ओए हैवी यार, हैवी सीन। ये है 11 feet, इस ऊपर है मेरे ख्याल से 10, फिर 9 और फिर 8 और फिर 5 आ जाता है डायरेक्टली। अब इसके बाद मैं जाने लगा हूँ नहाने, तो फिर आपको ब्रेक करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता से। आसान बात करो, एक बार 1 2 3 go।
माशाल्लाह। ओके तो जी आज का व्लॉग करने लगा हूँ यहीं पे एंड किसी सूरत पे, और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।